वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन स्वे। और ये नज़ारा देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, मैं हूँ तो केदारनाथ धाम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदार में से एक। जी हाँ, पंच केदार उत्तराखंड में है और छठवा केदार नेपाल में। ये जो पंच केदार है वो भी आपस में जुड़े हुए हैं और इनके तार भी जुड़े हैं महाभारत काल से। जी हाँ, इस स्थान के पीछे जो कहानी है वो महाभारत काल से शुरू होती है। दरअसल कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव परेशान हुए, क्योंकि उस युद्ध में जिनको उन्होंने मारा था वो सब उनके अपने में थे, ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना भगवान शिव के पास जाया जाए और उनसे क्षमा याचना की जाए। लेकिन भगवान शिव क्रोधित थे। जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए इसी जगह पर पहुंचे तो भगवान शिव ने एक भैंस का रूप धारण कर लिया और भैंसों के झुंड में जाकर वो छिप गए। पांडवों ने उन्हें बहुत ढूंढने का प्रयास किया। भीम ने तभी अपना आकार बड़ा कर लिया, अपने अवतार को बड़ा कर लिया और दो पहाड़ों पर अपना पैर रख लिया। उनका मानना था कि जितनी भी गाय बैल होंगी वो उनके पैर के बीच से निकल जाएंगी, लेकिन भगवान शिव वो नहीं निकलेंगे। हुआ भी ऐसा ही, बाकी जितने भी गाय बैल और भैंस थे वो उनके पैर के बीच से निकल गए, लेकिन भगवान शिव ने जाने से मना कर दिया। उसके बाद वो वहीं उसी स्थान पर ज़मीन के अंदर समाने लगे। जो भीम थे उन्होंने ये देख लिया और उन्होंने उनकी पीठ को पकड़ लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन जो पीठ, जो शिला यहाँ पर है, ये बेसिकली वही उनकी पीठ है जिसे शिला के रूप में आज यहाँ पूजा जाता है। और जो उनके धड़ से ऊपर का भाग था वो पशुपति नाथ में जाकर प्रकट हुआ, इसीलिए वो एक केदार है। और जो उनकी भुजाएं थी वो तुंगनाथ में प्रकट हुई, और जो उनकी नाभि थी वो मध महेश्वर में, जो उनका मुख था वो रुद्रनाथ में, और जो उनकी जटाई थी वो कल्पेश्वर में प्रकट हुई। और यही है हमारे पंच केदार। छह मई को केदारनाथ के कपाट खुल गए थे तो हमने सोचा कि दो साल बाद अब माहौल जो है वो थोड़ा सा शांत हो गया है तो क्यों ना केदार बाबा के दर्शन कराते हैं। हमने जो अपनी यात्रा की शुरुआत थी वो 5 मई को ही कर दी थी दिल्ली से। इस पूरे सफ़र को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, साथ ही बीच बीच में उस सफ़र से जुड़ी यादें भी मैं आपको दिखाती रहूंगी। तो दिल्ली से हमने अपने सफ़र की शुरुआत की और सबसे पहले हम पहुंचे बौंसाली। बौंसाली के बीच में कोई पड़ाव नहीं पड़ता, लेकिन बौंसाली हमारा गांव है उत्तराखंड में पौड़ी में। तो हम पहले वहाँ गए क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था, सामान वहाँ रखा, एक दिन का रेस्ट लिया और उसके बाद हम लोग गए अपने कुल देवी के दर्शन करने, जो की है ज्वालपा देवी। ज्वालपा देवी की क्या कहानी है, उससे जुड़ी क्या पुरानी कथा है, क्या मान्यताएं हैं और वो जगह क्यों फेमस है, उस पर भी एक पूरा व्लॉग मैं बनाऊंगी जिसका लिंक मैं इस पर शेयर कर दूंगी। उस लिंक को क्लिक कर ज्वालपा देवी के बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं। केदारनाथ की बात करते हैं तो केदारनाथ की जो प्रॉपर हमारा जो ट्रिप था उसकी शुरुआत हुई थी 7 मई को। 7 मई को हम बौंसाली से निकले सुबह 9:30 बजे। सबसे पहले हम रुद्रप्रयाग पहुँचे। तो इस वक्त बज चुके हैं दिन के 3 और हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। अब सफ़र की शुरुआत हमने बौंसाली से की थी सुबह 9:30 बजे और पौड़ी श्रीनगर होते हुए हम लोग पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग। जाना गौरीकुंड में है, आज स्टे हम गौरीकुंड में ही करेंगे। बहुत टाइम था इसलिए सोचा कि क्यों ना दो नदियों के संगम को भी दिखाएं। तो प्रयाग है तो क्लियर ही हो जाता है कि यहां दो नदियां मिलती है, एक है अलकनंदा और दूसरी है मंदाकिनी। तो पानी के दो अलग अलग रंग आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें से एक है अपनी अलकनंदा और दूसरी है अपनी मंदाकिनी। और जहाँ तक बात रही इसे रुद्रप्रयाग क्यों कहते हैं, तो प्रयाग तो क्लियर ही है, दो नदियाँ यहाँ पर मिलती है, पंच प्रयागों में से एक ये जगह है। और रुद्र इसलिए क्योंकि भगवान शिव का एक नाम है रुद्र और उन्हीं के नाम पर इस जगह का भी नाम पड़ा है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग के बाद हम निकले सोनप्रयाग के लिए, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हमें रुकना पड़ा सीतापुर में। तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 4 और हम हैं सीतापुर। जाने का प्लान गौरीकुंड था लेकिन हम इतना लेट हो चुके थे कि गौरीकुंड जाने का आइडिया हमने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद तय ये हुआ था कि सोनप्रयाग में हम लोग स्टे करेंगे, लेकिन जब तक सीतापुर पहुंचे इतना ट्रैफिक लग चुका था और जिस तरह से टूरिस्ट यहाँ नजर आ रहे हैं क्योंकि ये पीक टाइम है। अभी 6 मई को केदार बाबा के कपाट अभी 6 मई को ही खुले हैं और आज है 8, ऐसे में टूरिस्ट जो हैं वो बहुत आ रहे हैं और होटल्स जो हैं वो बिल्कुल पैक्ड चल रहे हैं। जिनकी पहले से बुकिंग है उनके लिए सही है, बट जो लोग बिना बुकिंग के आ रहे हैं जैसे हम,
उनके लिए थोड़ा सा रिस्क है, इसलिए हमने सोचा रिस्क नहीं लेते हैं। गौरीकुंड सोनप्रयाग जाने के बजाय अभी जहाँ है वहीं रूम्स ढूंढते हैं और वहीं स्टे करते हैं और सुबह यहाँ से जल्दी निकलेंगे। कोशिश यही है कि सुबह 5 बजे हम लोग यहाँ से निकले ताकि जो टाइम हमारा आज वेस्ट होगा, क्योंकि कल हम गौरीकुंड पहुँचने वाले थे, गौरीकुंड में नहीं है, तो आज जो टाइम हमारा वेस्ट होगा उस टाइम को हम कवर कर लें। इससे सोच यही रहे हैं कि 5 बजे हम लोग यहाँ से निकले ताकि आज केदार बाबा हम लोग पहुँच जाए। दर्शन केदार बाबा के हम कल करेंगे लेकिन ऊपर हम आज ही पहुंच जाए। तो अभी इस वक्त ये है सीतापुर, ये हमारा लॉज गुरु कृपा धाम, जो कि बहुत ही डिसेंट लॉज है। आपको इस तरह के लॉज यहाँ मिलेंगे। तो ये हैं इसके रूम्स, डिसेंट रूम है, लेकिन अगर आपको बहुत ही हाई फाई रूम चाहिए तो उसके लिए प्री बुकिंग करके यहाँ पर आए, क्योंकि आपको एंड मोमेंट पे यहाँ पर इससे बेहतर तो कुछ नहीं मिल सकता। दो रूम्स के लिए हमने पे किए 7000 फॉर वन नाइट, लेकिन हम 10 लोग थे और दो रूम्स में हम इजिली आ गए थे। इस लॉज का नंबर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो लास्ट पॉइंट है वो सोनप्रयाग ही है। सोनप्रयाग के बाद गौरीकुंड के लिए शटल चलती हैं और उसी शटल के थ्रू आप गौरीकुंड पहुंचते हैं। तो हम लोग पहुंचे गौरीकुंड। ये है गौरीकुंड और इस कुंड में स्नान करने के बाद श्रद्धालु अपनी केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। इस कुंड का जो पानी है वो हमेशा गर्म रहता है। आप देख सकते हैं इस पानी से कैसे भाप निकल रहा है, देखने में लग रहा है मानो ये खौल रहा हो, लेकिन जब आप इसमें स्नान करेंगे ये पानी आपको बिल्कुल भी नहीं छुपेगा। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है मंदाकिनी नदी, जो कि सीधा केदारनाथ से आ रही है। वैसे इस जगह के साथ भी एक जो पुरानी कथा है वो जुड़ी हुई है। माँ पार्वती के नाम पर, उनका एक नाम गौरी भी है, उन्हीं के नाम पर है इस जगह का नाम गौरीकुंड, क्योंकि यहाँ पर कुंड है। और अब माँ पार्वती के नाम पर है तो कहानी भी माँ पार्वती से ही जुड़ी है। दरअसल यही वो जगह है जहाँ पर माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की थी भगवान शिव को पाने की, और उनकी उसी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यहीं दर्शन दिए थे। उसके बाद उनकी जो शादी हुई थी वो त्रियुगी नारायण में हुई थी, जो कि यहाँ से ऊपर है। और सिर्फ माँ पार्वती की ही नहीं, माँ पार्वती के साथ भगवान गणेश की भी जो कहानी है वो इस जगह से जुड़ी हुई है। दरअसल माँ पार्वती ने भगवान गणेश को अपने मल यानी कि मैल से बनाया था, जिस वक्त वो इसी कुंड में स्नान करने जा रही थी, और उन्होंने उन्हें वहाँ द्वारपाल बनाकर खड़ा किया था ताकि जब वो नहाए तो वहाँ कोई आए तो वो उन्हें रोके। ऐसे में जब भगवान शिव वहाँ पहुँचे तो भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से मना किया और क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद इसी जगह पर हाथी का जो सर था वो गणेश जी के धड़ पर लगाया गया और यहीं से हमारे बने गनु महाराज। तो रश आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रश बहुत ज़्यादा है, ये पीक टाइम है, कपाट अभी खुले ही हैं। तो बाकी गपशप हम आगे इस यात्रा में करेंगे और कुछ ऐसे ही पुरानी कथाएं जो इस जगह से इस धाम से जुड़ी हुई है मैं आपको आगे सुनाती रहूँगी। केदारनाथ का जो टोटल ट्रैक है वो 16 किलोमीटर का है। ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये हाल है 8 मई का। गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच बहुत सारे पड़ाव पड़ते हैं, जैसे कि जंगलचट्टी, भीमबली, रामबाड़ा, छोटा लिंचोली, बेस कैंप, रुद्रा पॉइंट और फिर केदारनाथ। गौरीकुंड से रामबाड़ा का जो डिस्टेंस है वो 6.5 किलोमीटर है। ये है रामबाड़ा। 2013 की आपदा से पहले रामबाड़ा बिल्कुल अलग नज़र आता था, गांव हुआ करता था, लोग रहते थे, लेकिन आपदा ने इस पूरी जगह का नामो निशान मिटा के रख दिया। ना आज यहाँ कोई घर है, ना बाज़ार, ना खेत, ना कोई धर्मशाला, ना कोई होटल, सिर्फ ये एक पुल है जिसे आज का रामबाड़ा कहा जाता है। इस पुल को देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि हम रामबाड़ा में पहुंच गए हैं। गौरीकुंड से 6.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुँचे रामबाड़ा और यही हमने किया लंच, क्योंकि जो असली ट्रैक है, जो मुश्किलों भरा ट्रैक है वो रामबाड़ा के बाद शुरू होता है। रामबाड़ा के बाद आपको बिल्कुल खड़ी चढ़ाई मिलती है। मौसम जो है बेहद खूबसूरत हो रखा है, बारिश का मौसम हो रहा है। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इस वक्त बारिश नहीं होनी चाहिए,
नहीं तो हम ऑलरेडी लेट है, थोड़ा और लेट हो जाएंगे। वैसे यहाँ बारिश किसी भी मौसम हो सकती है, तो अपने साथ रेनकोट या फिर जो छाता है उसे अपने साथ कैरी करके चले। इस पूरे ही रूट में ऐसे ही स्टॉल्स आपको हर जगह मिलेंगे, यही छोटे छोटे स्टॉल्स जहाँ पर मैगी, पराठा, दाल चावल, चाय, कॉफ़ी सब फिक्स्ड है। तो गौरीकुंज में मैंने आपको सुनाई थी गौरीकुंज से जुड़ी एक पौराणिक कथा, और वादा किया था कि मैं आपको रास्ते भर कुछ ऐसी ही पुरानी कथाएँ सुनाती रहूँगी जो केदार धाम से जुड़ी हुई है। एक ऐसी ही पौराणिक कथा है जो जागृत महादेव से जुड़ी है। जी हाँ, इस जगह को जागृत महादेव भी कहा जाता है और इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। दरअसल जिस तरह से हम यहाँ केदार बाबा के दर्शन करने आए हैं, पीछे बहुत से लोग हैं जो केदार बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। एक ऐसा ही भक्त था जो हज़ारों किलोमीटर का पैदल सफ़र तय कर केदार बाबा के दर्शन करने पहुँचा, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचा कपाट बंद हो रहे थे क्योंकि जो सर्दियों का मौसम था वो शुरू हो रहा था। वहाँ जो महर्षि मौजूद थे, उस भक्त ने उनसे कहा कि मुझे केदार बाबा के दर्शन करने हैं, लेकिन महर्षि ने उससे कहा कि कपाट बंद हो रहे हैं, अब 6 महीने बाद ही खुलेंगे, तुम अपने घर जाओ। उस भक्त ने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन वक्त हो चला था, कपाट बंद हो गए थे। ऐसे में महर्षि अपनी पूरी मंडली के साथ वापस चले गए। वो भक्त वहीं रहा, रोता रहा। तभी एक सन्यासी वहाँ जिनके हाथ में त्रिशूल था, उन्होंने उस भक्त से पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। उस भक्त ने सारी कहानी बता दी कि कैसे वो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर वहाँ पहुँचा, लेकिन जैसे ही वो पहुँचा कपाट बंद हो गए और उसे केदार बाबा के दर्शन नहीं हो पाए। उस भक्त को रोता हुआ देख उस सन्यासी ने कहा कि अगर तुम सच्चे भक्त हो तो तुम्हें केदार बाबा के दर्शन ज़रूर होंगे। और उनसे बात करते करते उसकी आँख लग गई। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि हर जगह सूर्य का ही प्रकाश है, और वो महर्षि जो कपाट बंद कर रहे थे, जिन्होंने उससे कहा था कि तुम घर वापस चले जाओ, वो अपनी मंडली के साथ वहाँ आ रहे हैं। उसे देखकर वो महर्षि भी पहचान गए कि वही इंसान है। वो उसके पास पहुँचे और बोले कि बेटा, तुम तो 6 महीने पूरे होते ही सीधा केदार बाबा के दर्शन करने यहाँ आ गए। तो उस वक्त उनसे कहा कि मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो यहीं था, रात को यहाँ सो गया और सुबह आप यहाँ आ गए। बस एक सन्यासी मेरे पास आए थे जिनके हाथ में त्रिशूल था, और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम सच्चे भक्त हो केदार बाबा के, तो तुम्हें उसके दर्शन ज़रूर होंगे। बस ये सुनते ही जो महर्षि थे वो सब कुछ समझ गए कि वो सन्यासी कौन था। दरअसल वो सन्यासी और कोई नहीं, वो थे केदार बाबा यानी कि महादेव, जिन्होंने अपने भक्त को कष्ट में देखा, उसकी भक्ति से खुश होकर वो वहाँ पहुँचे, ना सिर्फ उसे दर्शन दिए बल्कि 6 महीने का जो वो पूरा कालखंड था उसे एक दिन में बदल दिया। और यही कारण है कि इस जगह को जागृत महादेव भी कहा जाता है। हर हर महादेव। केदारनाथ ट्रैक की असली खूबसूरती आपको रामपाड़ा के बाहर नजर आती है। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़, गहरी खाइयाँ और जगह जगह आपको ग्लेशियर भी नजर आते हैं। साथ ही केदारनाथ का मौसम पल पल बदलता है, कभी धूप, कभी छांव, तो कभी बारिश, और बारिश के बाद तो बस यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। आपको जो बादल हैं वो बिल्कुल तैरते नजर आएंगे। अगर इसे स्वर्ग कहा जाता है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। 2 दिन का ये पूरा ट्रैक बहुत खूबसूरत था, हालांकि कुछ 2 दिन का ये पूरा ट्रैक बहुत खूबसूरत था हालांकि कुछ मुश्किलें भी थी जो हमें फेस करनी पड़ी। चाहे फिर वो रजिस्ट्रेशन हो, स्टे की प्रॉब्लम हो, घोड़े खच्चरों का ट्रैफिक हो या फिर गाड़ियों का ट्रैफिक, लेकिन अभी बात किसी भी नेगेटिव पॉइंट की नहीं होगी, वो सब मैं आपको बताऊंगी लेकिन इस ब्लॉक लास्ट में। जगह जगह ऐसे साइन बोर्ड लगे हुए हैं जो आपको बताते हैं आप कहाँ हैं और कितना डिस्टेंस अभी आपको और कवर करना है। यकीन मानिए, ये साइन बोर्ड आपको एक होप देते हैं कि बस अब चंद कदम और चलना है और उसके बाद आप पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल केदार बाबा के पास। ये है बेस कैंप। मोस्टली लोग यहीं स्टे करना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ आप कैंपिंग का मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको टेंट का मज़ा लेना है, टेंट में स्टे करना है, तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ आपको टाइम पर पहुँचना होता है। अगर आप 5 बजे तक पहुँच जाएंगे तभी आपको टेंट मिल पाएंगे, उसके बाद आपको टेंट बहुत मुश्किल से मिलेंगे। केदारनाथ बेस कैंप से केदारनाथ टेम्पल की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है।
लेकिन हमें नेक्स्ट डे और चढ़ाई नहीं करनी थी, इसीलिए हम सीधा गए ऊपर केदारनाथ। तो 16 किलोमीटर का ट्रैक कर शाम की आरती के वक्त हम पहुंचे सीधा ऊपर केदारनाथ टेंपल। इस पूरे ट्रैक में सबसे ज़्यादा खुशी हुई इस साइन बोर्ड को देखकर, जो आपको बताता है कि आप बस मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ एक हेलीपैड है जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, यहाँ मैं आपको लेकर चलूँगी बाद में। मंदिर में जो दर्शन होते हैं वो शाम 4 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। अगर आप यहाँ 4 बजे के बाद पहुँच रहे हैं तो आपको स्टे करना होगा और नेक्स्ट डे ही आप मंदिर में भगवान भोले के दर्शन कर सकते हैं। हम यहाँ पहुँचे शाम को 6:30 बजे और कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी आरती। तो इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 8:45 और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है, लाइन में खड़े हैं। और अभी 8:45 ज़रूर हो रहे हैं, हम लाइन में हैं लेकिन अभी नहीं आए। सुबह 3 बजे हम यहाँ लाइन में खड़े हो गए थे और उसके बाद अभी तक नंबर नहीं आया है। तो सोच लीजिए कितनी भीड़ यहाँ पर है, श्रद्धालु कितनी मात्रा में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। केदारनाथ जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि विष्णु भगवान के अवतार नर और नारायण ने यहीं पर इकट्ठ हो तपस्या की थी भगवान शिव की, और उनकी तपस्या से जब खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए थे तो उन्होंने उनसे कहा था कि वो चाहते हैं वो इस स्थान पर वास करें, और उसी के बाद ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव यहाँ पर स्थापित हुए। भगवान भोले के दर्शन के बाद पूजा अर्चना के बाद हम पहुँचे भीमशिला देखने। ये है भीमशिला। इसे लेकर कहा जाता है कि 2013 की आपदा से पहले ये शिला यहाँ पर नहीं थी। 16 जून 2013 को जब केदारनाथ में बादल फटा कि उस वक्त अचानक एक चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर आकर रुक गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे रोक दिया हो। उस वक्त मंदिर में करीब 300 से 500 श्रद्धालु थे। ये वही चट्टान है। इस चट्टान ने ना सिर्फ मंदिर को बचाया बल्कि उसके अंदर मौजूद उसमें शरण लेने वाले श्रद्धालुओं को भी बचाया। आपदा के वक्त आई ये चट्टान आज भीमशिला कहलाती है। लेकिन जब पानी पीछे से आ रहा आगे जा रहा तो इसका मकसद और क्या हो सकता है? बाकी अब रोना भी किसके पास, भगवान के पास रोना था। भगवान ही ऐसा कर रहे और आप मेरी मदद नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग रो रहे थे, लग रहे थे अपनी अपनी सोचने का तरीका है कि भाई हम किस स्थिति में कैसे बच सकते हैं। बस भगवान का ध्यान किया मैं अपने मन में, थोड़ा भगवान का भजन ही गा रहा था मन ही मन, और भगवान का स्मरण ये कर रहा था कि भगवान जो भी गलती हुई होगी हम तो समझ इतना नहीं जान सकते। जब कुछ देर बाद पानी रुका, थोड़ा सा कम हो गया, तब देखा उतरने लगे तो नीचे कुछ नहीं है, सीढ़ी वगैरह कुछ नहीं है, खिड़की से बेडशीट वगैरह बांध के नीचे हो गए। 5 दिन तक इधर ही घूमे फिरे पहाड़ी पहाड़ी। वहीं मंदिर के पीछे दूर इन पहाड़ियों में है भैरवनाथ का मंदिर। थोड़ा सा ट्रैक कर आप इस मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हमारे पास वक्त कम था इसीलिए हम वहां नहीं जा पाए। मंदिर में दर्शन के बाद कुछ समय वहां बिताने के बाद हम वापस निकले गौरीकुंड के लिए। एक सलाह दूंगी कि समय अपने साथ लेकर आए, कुछ घंटे यहाँ ज़रूर बिताए, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद आपको हर वक्त लगेगा कि थोड़ी देर वहाँ पर और बैठ जाना चाहिए था। इसलिए हड़बड़ाहट में ना आए, कुछ देर वहाँ ज़रूर बैठे, नहीं तो दिल में हमेशा के लिए मलाल रह जाएगा। आपको बारिश भी नजर आएगी जैसे कि इस वक्त हो रही है। तो हमें गौरीकुंड से पूरा केदारनाथ जो ट्रैक था उसे कंप्लीट करने में 7 घंटे हमें लगे हैं।
वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे चलते हैं, स्पीड में या फिर आराम से। रास्ते पे हम लोग बहुत आराम से चले, पूरे व्यू से जितने भी व्यू थे उसमें मजा ले लिया। तो हमें 7 घंटे लगे उस ट्रैक को कंप्लीट करने में। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे वापस गौरीपुर। तो जहाँ तक बात की केदारनाथ में स्टे की, तो अगर आप प्री बुकिंग करवा लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको यहाँ पर बहुत आसानी से नहीं मिलेगा इस टाइम पर, तो नहीं मिलेगा। और जो रूम्स आपको मिलते हैं वो आपको ठीक ठाक ही मिलेंगे, जैसे कि हम लोगों को मिला था 13,000 जैसे कि हम लोग को 13,000 में हम लोग को 2 रूम्स मिले थे, जिसमें 5-5 लोग आराम से आ गए थे। जहाँ तक वॉशरूम था वो ठीक ठाक उसकी कंडीशन थी कि बस हाँ आपको रात ही तो वहाँ पर सिर्फ काटनी है 3-4 घंटे, तो उसके हिसाब से वो ठीक था। बाकी यहाँ का जो नज़ारा है वो तो आपको नज़र आ रहा है, जिसकी केदार बाबा के दर्शन के बाद जो केदारनाथ की खूबसूरती है वो एक चीज़ है जो लोगों को यहाँ तक खींच लाती है। तो ट्रैक है, आप इसे अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो और भी बहुत से ऑप्शन हैं यहाँ पर। घोड़े खच्चर कर सकते हैं, पालकी आप कर सकते हैं, तीसरा हेलीपैड जो कि बेस्ट ऑप्शन है, अगर टाइम भी बचाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है हेलीपैड। और बाकी घोड़े खच्चर पिट्ठू तो हैं ही, ज़्यादा परेशानी हमें हुई नहीं, सिर्फ एक परेशानी जो हुई वो घोड़े खच्चर की थी, क्योंकि जो पूरा ट्रैक है ये वन वे है, लोग इसी ट्रैक से ऊपर भी जा रहे हैं, इसी ट्रैक से वापस नीचे भी आ रहे हैं, और इसी ट्रैक पर आपको घोड़े खच्चर भी मिलेंगे। तो सिर्फ एक वो ही थोड़ी दिक्कत हमें नजर आई कि हमारे सामने ही 2 एक्सीडेंट हुए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन हाँ चोट हल्की फुल्की आई है। तो उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, ऐसा कोई वे वो निकाले ताकि इनकी रोजी रोटी पे भी बात ना आए। लेकिन हाँ जो थोड़ी परेशानी जो पैदल चलने वाले लोगों को हो रही है वो परेशानी भी ना हो। बारिश हो रही है, हालांकि बारिश हो रही है तो हाल आप देख सकते हैं कि बुरे हो रहे हैं, लेकिन सीधा भी आएंगे तो भी आपको ऐसा ही हाल मिलेगा, पीछे हर जगह हो रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन मज़ा आएगा। तो ये है इस यात्रा का पहला और आखिरी पड़ाव गौरीकुंज, जहाँ से ये यात्रा शुरू भी होती है और जहाँ आकर ये यात्रा पूरी भी होती है। तो हम जब गौरीकुंज से चले थे हमें 7 घंटे लगे थे ऊपर केदारनाथ पहुँचने में, और वापसी में हमें 5 घंटे लगे हैं। ये जो पूरा ट्रिप था, जो पूरी ये यात्रा थी, ये अपने आप में ही काफ़ी खूबसूरत थी। हल्की फुल्की बारिश है जो आपको परेशान किसी भी मौसम में कर सकती है, लेकिन हाँ बारिश के टाइम पर थोड़ा संभल कर यहाँ पर आए क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा किसी भी मौसम में बारिश हो सकती है, तो आपको जो प्रिकॉशंस है वो हर मौसम में यहाँ पर लेने होंगे। इस वक्त 5:30 बज चुके हैं, तो स्टे जो है हम आज भी सीतापुर में ही करने वाले हैं। अगर आप भी टाइम लेकर आ रही हैं तो सिर्फ केदारनाथ नहीं बल्कि श्रीनगर से केदारनाथ तक के रास्ते में आपको और भी बहुत से तीर्थ स्थान मिल जाएंगे। आप रुद्रप्रयाग में भी दर्शन कर सकते हैं जहां 2 नदियों का संगम होता है, साथ ही धारी देवी जो है वो भी आपको इस रूप में मिल जाएगी, तो आप धारी माता के दर्शन भी हैं वो भी कर सकते हैं। पूरी यात्रा को लेकर मेरा जो कुछ भी एक्सपीरियंस रहा, अगर उसके हिसाब से मैं कोई एडवाइस देना चाहूँ तो यही एडवाइस होगी कि ट्रैक के दौरान जो सामान है वो मिनिमम ही आप अपने साथ कैरी करें, ज़्यादा लोड ना लें, और पिट्ठू बैग ही कैरी करें, पिट्ठू बैग में ही सामान डालें, इससे आपके शोल्डर पे थोड़ा कम लोड पड़ेगा। और बाकी जो बहुत सारे स्टॉल्स जो हैं वो रास्ते भर हैं, आपको वहाँ से स्नैक्स जो हैं बहुत ईजिली मिल जाएंगे, लेकिन वो आप पे डिपेंड है, हालांकि क्योंकि ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत कॉस्टली है तो वो आप पे ही निर्भर करता है, आपको नीचे से स्नैक्स लेने हैं या फिर ऊपर से स्नैक्स लेने हैं। तो मेरी जो पूरी जो यात्रा रही वो फैमिली के साथ रही, तो अगर मैं अपने हस्बैंड से पूछूं कि वो क्या एडवाइस देना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप इतना लंबा ट्रैक करते हो तो आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जितने भी स्नैक्स आप खाते हो शायद उनसे आपको उतनी एनर्जी ना मिले, तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप कोई ऐसी चीज़ खाएं, फॉर एग्जांपल बनाना, जो कि आपको क्विक एनर्जी देता है और लंबे टाइम तक आपको एक कि जो कार्ब्स होता है उसमें वो आपको वो एनर्जी देता है कि आप इतना लंबा ट्रैक आसानी से कर सकें, आसानी से नहीं बट एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आई वुड सजेस्ट टेक वन डजन बनानाज विद यू व्हाइल यू आर ट्रैकिंग, तो वो वाला वेट अगर आप कैरी कर सकते हो सो दैट वुड रियली हेल्प यू आप इन दिस एंटायर ट्रैक। बाकी तो जैसे बताया कि आपको डार्क चॉकलेट की भी मैं एडवाइस दे सकती हूँ कि मैंने अपने साथ कैरी की थी और मुझे लगा उससे काफ़ी फ़ायदा मुझे मिला, जहाँ भी मुझे भूख लगी मुझे
जितनी एनर्जी डार्क चॉकलेट से मिली है, जितनी मेरी भूख भी शांत हुई है, और जहाँ जहाँ हल्का फुल्का हेडेक हुआ, जो शुगर की जो नीड होती है आपको पूरी ट्रैक के दौरान, वो कहीं ना कहीं डार्क चॉकलेट से मेरी पूरी हुई है, क्योंकि कैफीन उसमें हल्का फुल्का होता है, तो आपको एनर्जी जो है वो जो इंस्टेंट एनर्जी है वो आपको मिलती रहती है। तो एक डार्क चॉकलेट की एडवाइस जो है वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको दे सकती हूँ। डार्क चॉकलेट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। तो बस इसी के साथ जो हमारी यात्रा है वो यहीं गौरीकुंड पर आकर जो है वो पूरी हो चुकी है, और ज्वाल्पा देवी का ब्लॉग जल्द ही मैं लेकर आऊँगी। साथ ही साथ मैं लगातार आप लोगों से कह रही हूँ बौंसाली बौंसाली, जहाँ दिल्ली से हम बौंसाली पहुँचे थे, वापस भी हम बौंसाली ही जाएंगे। बौंसाली क्या है, बौंसाली के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उस पर भी एक ब्लॉग बनाने वाली हूँ। इन दोनों ही ब्लॉग का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। साथ ही साथ इस पूरे जो केदारनाथ जो हमारा ब्लॉग है, इसे लेकर हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना टाइम लगा, कितने दिन हमें लगे इस ट्रैक को कंप्लीट करने में, और जो कुछ भी इससे लेकर छोटी मोटी डिटेल्स है वो सब भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो आप वहां जाकर भी सारी डिटेल्स जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो बस यहीं ख़त्म होता है हमारा केदारनाथ का ब्लॉग। मम बोले, हर बोले। तो गौरीकुंड में मैंने अपना व्लॉग ख़त्म किया था ये सोचकर कि यात्रा यहाँ पर पूरी हो चुकी है, और हम 5:30 बजे गौरीकुंड पहुँच गए थे, तो सोचा यही था कि आराम से सीतापुर पहुँच जाएंगे एक आध घंटे में और रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे हम मौनसाली के लिए निकलेंगे। लेकिन ये व्लॉग मैं आगे इसलिए मैंने इसके बाद दोबारा इस हिस्से को बनाया क्योंकि कुछ परेशानियां थी जो हमने उसके बाद फेस की, जिसके बारे में मुझे लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं इस टाइम पर, उन्हें पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है प्री बुकिंग, और तीसरा है यहाँ का ट्रैफिक। तो पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। इस बार गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि आपको रजिस्ट्रेशन इस बार यात्रा से पहले करवाना होगा। कुछ परसेंटेज जो है वो चार धाम के लिए डिसाइड कर दिए गए हैं कि इतने दिन में इतने ही लोग जो हैं वो दर्शन कर सकते हैं। हमने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था, हम टोटल 10 लोग थे, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन को कहीं भी चेक नहीं किया गया, उन पेपर्स को कहीं भी चेक नहीं किया गया। तो हमें नहीं पता कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि एक दिन में 12,000 लोग ही यहाँ दर्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ भी यहाँ नहीं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। ऐसे में उस रूल को कितना फॉलो किया गया वो पता नहीं, लेकिन हाँ यही एडवाइस दूंगी रजिस्ट्रेशन करा के चले, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन भले ही चेक ना किया गया बट हो सकता है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन चेक हो जाए। ना है ट्रैफिक, तो ये पीक टाइम है और रश यहाँ बहुत ज़्यादा है, ऐसे में ट्रैफिक भी बहुत है, और आप ट्रैफिक का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि कल हम 5:30 जो कि शाम को गौरीकुंड पहुँच गए थे, और लगातार एक आध घंटे में सिर्फ तो पहुँच जाएंगे, वहाँ होटल में रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे आराम से निकलेंगे बौंसाली के लिए। लेकिन हमें यहाँ सीतापुर पहुँचते ही 11 बजे, पर ये बहुत दूर नहीं है गौरीकुंड से, लेकिन हमें यहाँ पहुँचते ही रात 11 बजे कारण था यहाँ का ट्रैफिक और रश, और कुछ रूट जो हमें पता नहीं थे। तो इसी ट्रैफिक की मैं बात कर रही थी, और रूल जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि सोनप्रयाग के बाद आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं वो उसका लास्ट जो है स्टॉपेज है, उसके बाद आपको वहां से गौरीकुंड के लिए शटल लेनी पड़ती है। वैसा ही आते वक्त ही है, आते वक्त आपको गौरीकुंड के लिए शटल लेनी है, वो आपको सोनप्रयाग में ड्रॉप करती थी। हम लोग गौरीकुंड 5:30 पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ लाइन लगी थी इसका हमें आइडिया नहीं था, ऐसे में हम लोग अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स का वेट कर रहे थे। जब वो लोग वहाँ पहुँचे और उसके बाद जब हम आगे निकले तो लाइन इतनी लंबी हो चुकी थी कि हम यहाँ सीतापुर रात के 11 बजे पहुँचे, क्योंकि पहले शटल मिलने में देरी हुई, क्योंकि यात्री जो है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रही हैं। दूसरा, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि पहाड़ों में जो रोड है वो काफ़ी ही संकरी होती है, ऐसे में ट्रैफिक जो है वो लग ही जाता है, और जब लोग इतने ज़्यादा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा हो, तो ट्रैफिक आपको मिलना ही मिलना है। तो ट्रैफिक की वजह से हम रात को 11 बजे का वो हमने होटल नजर किया। तीसरा है प्री बुकिंग। हमें प्री बुकिंग कहीं भी नहीं कराई थी, सोच के होटल्स जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। तो यही एडवाइस दूंगी कि अपनी प्री बुकिंग जो है वो करवा के चले, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, होटल्स आपको नहीं मिलेंगे। प्री बुकिंग में जो एक दिक्कत जो हमें लगा था जिसके चलते हम लोगों ने प्री बुकिंग नहीं करवाई थी, वो यही थी
कि अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर हम होटल बुक कर लेते हैं बट ट्रैफिक की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो वो बुकिंग आपको कैंसिल करवानी पड़ती है। इसलिए हमने प्री बुकिंग नहीं करवाई थी कि टाइम से पहुँचेंगे होटल ढूंढ लेंगे, लेकिन हम टाइम से कहीं भी नहीं पहुँचे, हर वक्त ट्रैफिक की वजह से लेट हो रहे थे, ऐसे में होटल मिलने में परेशानी आ रही थी। अगर आप एकाध लोग हैं, एक दो लोग हैं, तो आपको होटल्स जो हैं, रूम्स जो हैं, वो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, बट अगर आप हमारी तरह 10 लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे में आपको परेशानी होटल्स ढूंढने में ज़रूर होगी, क्योंकि एक साथ आपको इतने सारे रूम्स नहीं मिलेंगे इतने सारे लोगों के लिए। ऐसे में अपनी जो प्री बुकिंग है वो आप करवा के चले, चाहे भी वो सोनप्रयाग में हो, सीतापुर में हो, या फिर ऊपर केदारनाथ में हो, अपनी प्री बुकिंग जो है वो करवा के चले। हालांकि इस टाइम पे जो हमने जहाँ जहाँ पता किया, मोस्टली जितने भी अच्छे रिजॉर्ट हैं, लॉज हैं, वहाँ पर जो है वो एक महीने की बुकिंग एडवांस में चल रही है, तो रश का अंदाज़ा तो आप इसी से लगा सकते हैं। फिर से एडवाइस दूंगी कि होटल्स का पता करके चले, एटलीस्ट नंबर्स जो हैं वो एक आध लेकर चले, कुछ लॉज हैं उनके नाम मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूंगी, मेरे पास कुछ के नंबर भी हैं, उन नंबर्स को भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ताकि अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार आप होटल्स का उनसे पूछ सकते हैं। तो ये ब्लॉग जो मैं गौरीकुंज में ख़त्म कर रही थी वो मैं अब यहाँ सीतापुर में ख़त्म कर रही हूँ। ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप कुछ और भी इस केदारनाथ यात्रा को लेकर जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द आपसे मुलाकात होगी दूसरे ब्लॉग में।